also color family warm and cool colors. Shade of red, orange and yellow are called warm colors, and shade of blue, green and purple are called cool colors. Now color the butterfly using warm colors and the background using cool colors, and make sure not to be repeat the same shades in adjacent square. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और व्हाइट दोनों को मिक्स करते हैं. पहले फर्स्ट टाइम ग्रीन कलर, मिक्स द व्हाइट कलर. प्रॉपर मिक्सिंग कलर्स. First time border complete and then underside. Okay, understand? ऐसे पहले square के background side पे करना, उसके बाद अंदर proper एक ही direction में color करना. ऐसे अलग अलग boxes पे हमें same color करना है. उसके बाद उसमें थोड़ा सा extra white color mix करके हमें और अलग अलग बैकग्राउंड साइड में उसको मिक्स करना है. लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन दोनों को एक दूसरे से दूर पास में भी किया तो भी चलेगा, लेकिन कोई भी सेम कलर आजू बाजू मतलब आस पास में नहीं होना चाहिए. उससे या तो फिर डार्क साइड होना या तो फिर लाइट साइड होना. ऐसे लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और डार्क ग्रीन, अगर हमें और भी ज्यादा डार्क ग्रीन करना है तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करना है. लेकिन ध्यान रहे, जब भी हमें कलर करना होगा तो सबसे पहले हमें बॉर्डर ही फील करनी है, और उसके बाद में एक डायरेक्शन पकड़ के हमें पूरा कलर क्लियर करना है. ये तो हो गया ग्रीन कलर, उसके बाद हम लेंगे ब्लू कलर्स, उसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स करेंगे. ब्लू में भी तीन चार शेड है, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और एक ओशन ब्लू. इसे भी अलग अलग स्क्वायर में हम कर सकते हैं. उसके बाद हम डार्क कलर लेंगे. उसके बाद हम पर्पल कलर लेंगे. पर्पल को भी वैसे सेव करना है. पहले थोड़ा सा व्हाइट लो, पर्पल लो, दोनों को मिक्स करो और उससे लाइट पर्पल बना लो. और उससे पर्पल को और ज्यादा व्हाइट बनाना होगा तो फिर उसमें और थोड़ा सा व्हाइट डाल के हम उसको एक्स्ट्रा वाला लाइट पर्पल कलर सकते. कलर थोड़ा सा अच्छे से लेना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है.
अब हम प्रॉपर पर्पल कलर लेंगे, कहाँ भरना है बराबर। अब जहाँ पे अगर कोई वाइट बॉक्स बचा होगा तो हमें जितने भी हमारे पास कलर पड़े हैं कूल कलर्स, उसमें और थोड़ा सा वाइट या फिर डार्क मिक्स करके हमें वहाँ पर वो कलर फिल करके वो प्लेस कंप्लीट करना है। लगभग बैकग्राउंड हमारा 90% कंप्लीट होने में आ गया है। बस सिर्फ 3 ही कलर से हमने इतने सारे कलर बनाए और उसमें सिर्फ व्हाइट और ब्लैक का इस्तेमाल किया है। एक कलर के कम से कम हम 9 से 10 शेड आराम से बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे शेड बनते हैं लेकिन हमें सिर्फ 9-10 भी बनाए तो भी चल जाता है काम। जो छोटी छोटी बारीक बारीक जगह बची होती है कॉर्नर में, उसको भी बड़ा ध्यान से समझ के हमें फिल करना है। अब बारी आती है वार्म कलर्स, मतलब हॉट कलर्स, उसको अब हम बटरफ्लाई में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने अभी ऑरेंज लिया, उसके बाद में उसमें थोड़ा सा येलो मिक्स करके उसको लाइट ऑरेंज कर लिया। उसमें हम वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस बार मैंने येलो लिया है। वैसे हमें पहले बॉक्स का बॉर्डर साइड कंप्लीट करना है, वो सिर्फ बटरफ्लाई के अंदर वाला, उसको एक ही डायरेक्शन में फिल कर लिया। वैसे हमें चारों बटरफ्लाई में अलग अलग जगहों पर वो बॉक्सेस कंप्लीट करना है। उसके बाद में अब मैंने वाइट लिया है, वाइट लेके भी हमें वैसा ही सेम करना है। गलती से भी जो बटरफ्लाई के अंदर कलर्स करना है वो कलर बाहर के बैकग्राउंड में नहीं करना है हमें। कभी येलो भी लिया तो भी चलेगा, प्लेन येलो, उसमें आप व्हाइट भी मिक्स कर सकते हो ताकि वो और लाइट वाला येलो बन सके। उसके बाद प्रॉपर रेड भी लेना है हमें, रेड के अलग अलग बटरफ्लाई में। देखो अब हमारा ड्राइंग आधे से ज़्यादा मतलब कंप्लीट होने में आया, मतलब 80% हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया। अभी रेड लेंगे, रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करेंगे और उसको ब्राउन शेड बना लेंगे। एक्चुअली हमारे पास तो ब्राउन कलर है लेकिन हमें सब कलर बनाकर करना है। वैसे चारों बटरफ्लाई में हमें वो कलर फिल करना है, उसके बाद में जो कलर है उसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स करके हमें वो लाइट ब्राउन करना है। तो हमने प्रॉपर रेड लिया और उसमें थोड़ा सा वाइट मिक्स किया, उससे वो लाइट रेड हो गया। रेड में व्हाइट मिक्स करने से कुछ को लगता है कि वो पिंक होता है लेकिन वो पिंक नहीं होता है, वो लाइट रेड होता है। अगर लाइट पिंक करना है तो हमें उसके लिए डिमडम रेड की ज़रूरत होती है, उसमें व्हाइट मिक्स करने से हमें पिंक शेड मिलता है। चलो अब तो हो गई हमारी सारी ड्राइंग कंप्लीट। अब हमें सिर्फ केस्पेन का इस्तेमाल सिर्फ उनके एंटीनास के लिए करना है, ना कि बैकग्राउंड के लिए। बहुत सारे बच्चे ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद स्केच पेन से पूरी बॉर्डर करते थे लेकिन ये गलत है, 2D डिज़ाइन में ये नहीं करते। इसको दूसरा नाम 2D डिज़ाइन भी कहा जाता है। सो ध्यान रखें स्केच पेन का इस्तेमाल सिर्फ कुछ सीमित जगहों पर ही किया जाता है, गलती से भी ना करें। तो चलो ये हो गई हमारी आज की